तो स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कोरोजन के बारे में और इसका प्रिवेंशन कैसे होता है। तो ये दोनों चीज हम लोग इस वाले पार्ट में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले वीडियो को। तो सबसे पहले समझते हैं कोरोजन का डेफिनेशन क्या होता है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 में भी था, इसमें भी देख लेते हैं। व्हेन ए मेटल अटैक्ड बाय ए सबस्टांस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड एक्सेट्रा इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। होता ये है कि कोई भी मेटल है, अगर उसको हम लोग एयर में रखते हैं तो वो एटमोसफेयर के कॉन्टेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आएगा, साथ साथ वाटर वेपर भी होता है एटमोसफेयर में, या फिर कोई वाटर का सोर्स है वहां पे तो वाटर भी लग रहा, तो एसिड और कोई एसिड का भी अगर कोई सोर्स लग गया तो ये सब एसिड के कारण, वाटर के कारण, एयर के कारण उस पर रिएक्शन होना शुरू होता है। उसके ऑक्साइड्स बनने लगते हैं, उसके कार्बोनेट्स बनने लगते हैं, उसके हाइड्रोक्साइड बनने लगते हैं। ठीक है, मेटल तो रिएक्टिव ही होता है, तो उसके साथ धीरे धीरे जैसा मेटल है उस हिसाब से उसमें जैसी उसकी रिएक्टिविटी है उस हिसाब से उसमें रिएक्शन होता है और उसके ऑक्साइड, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड ये सब फॉर्म होने लगते हैं। तो धीरे धीरे मेटल तो गलने लगा ना, मेटल तो ओरिजिनल में प्योर तो रहा नहीं, अब धीरे धीरे उसके सरफेस से स्टार्ट हो गया ऑक्साइड्स बनना, तो धीरे धीरे उसके परसेंटेज कम होते, उसका डिके होना शुरू हो गया। तो यही जो अटैक्ट होता है बाहर से, एक्सटर्नल सोर्स से, जैसे कि ऑक्सीजन का एयर से हो गया, वाटर से हो गया, तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं कोरोड हो जाना, और इस पूरे प्रोसेस को ही कहते हैं कोरोजन। ठीक है, तो व्हेन ए मेटल अटैक्ट बाय ए सबस्टांस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इट इज सेड टू बी कोरोड एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कोरोजन। मतलब कि बाहर से अटैक हो गया, उसके कारण गल जो मेन मेटल है वो अगर डिके होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग कोरोजन कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिल्वर की। जैसे कि सिल्वर आर्टिकल आप लोगों ने देखा होगा लंबे समय तक एक जगह रहने पे, उस पर ब्लैकिश ब्लैकिश का हल्का लेयर जैसा लगने लगता है। ठीक है, तो ये जो होता है जो सिल्वर जो हवा में मौजूद जो सल्फर होते हैं उससे रिएक्ट कर लेता है। जैसे कि जो एजी होता है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, ये कोई भी दूसरे सबस्टांस से, कोई मेटल कोई भी दूसरे एक्सटर्नल सबस्टांस से अगर रिएक्ट करने लगता है तो उसको हम लोग कोरोजन कहेंगे। तो यहाँ पे एजी जो है एयर से, अगर कहीं एयर में सल्फर कंटेंट है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, तो कहीं पे भी इसको सल्फर कंटेंट मिलेगा सिल्वर को, तो उसके साथ रिएक्ट करके Ag2S ये सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा जिसका कलर ब्लैक होता है। ठीक है, तो ब्लैक कलर का एक लेयर बनने लगता है, तो सिल्वर इस तरह से कोरोड होता है। अब अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से कोरोड होता है। अगर हम लोग कॉपर की बात करें, कोई कॉपर कोई आर्टिकल या फिर कोई सिक्का है या कॉपर का कोई पाइप है, इस तरह का अगर कोई कॉपर का चीज अगर बहुत लंबे समय तक एयर में वो एयर के कॉन्टेक्ट में होगा तो हम देखते हैं कि एक ग्रीन कोट उसके ऊपर लग जाता है, एक हरा हरा वो होने लगता है। तो वो हरा हरा क्या होता है, तो वो होता है कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो हवा से एयर से वो कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, फिर हवा से ही कार्बन डाइऑक्साइड को सोख के वो कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर जो है सबसे पहले एयर ऑक्सीजन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, CuOH2। ठीक है, इसके साथ फर्दर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा कॉपर कार्बोनेट CuCO3 ये फॉर्मेशन करेगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इसी कारण से आप देख सकते हैं ये एक चाबी है, नल का चाबी है पाइप का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पूरा ग्रीन ग्रीन जो कोटिंग हो रहा है ये कॉपर का होता है। इसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन पूरा जो कोटिंग देख रहे हैं ये हो गया है, और इसका रस्टिंग के कारण मतलब इसकी कोरोड हो रहा है, कॉपर जो कोरोड हो रहा है और ये कॉपर कार्बोनेट का लेयर इसमें जमने लगा। और अगर हम लोग बात करें आयरन का, आयरन का तो फेमस ही है, आयरन अगर कोरोड होता है तो उसको एक अलग ही नाम दे दिया है, उसका नाम दे दिया गया रस्टिंग होना या रस्ट लग जाना। आयरन जो है वो आयरन ऑक्साइड के कारण रस्टिंग में आता है, Fe2O3.2H2O4H2O इस तरह का लग जाता है, जिसके कारण से ये आयरन जो है कोरोड होने लगता है। ये एयर और वाटर इसको दोनों जरूरी है रस्टिंग होने के लिए। ठीक है, तभी ये इसमें रस्टिंग होता है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं कि तीन टेस्ट ट्यूब हम लेते हैं, तीनों में आयरन नेल डालते हैं। ठीक है, अब पहले वाला में हम लोग क्या करते हैं, आयरन नेल डाले उसको आधा डिप की है। ठीक है, आधा डिप करने से होगा क्या कि यहाँ पे एयर जो इसमें रह गया, ऊपर से तो सील कर दिए थे तीनों टेस्ट ट्यूब को, लेकिन पहले वाला टेस्ट ट्यूब की बात करें इसमें तो एयर हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, वाटर नीचे हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, यहाँ पे H2O हो गया और यहाँ पे आयरन हेस डाल, पहला केस में ये किया। दूसरा केस में यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसमें वाटर जो है पूरा तरह से डिप कर दिया और ऊपर एक थोड़ा सा ऑयल भी डाल दिया और उसके ऊपर भी एयर था, ऑयल डालने से होगा कि एयर जो है ऑयल में नहीं जाएगा, ऑयल में डिजोल्व नहीं होता है, इस कारण से इस नेल पे सिर्फ वाटर कांटेक्ट कर रहा है, एयर कांटेक्ट नहीं कर रहा है। थर्ड केस हम बात करते हैं, इसमें हम लोग ड्राई एयर डाले हैं, वाटर तो डाले ही नहीं है, यहाँ पे कुछ कैल्शियम क्लोराइड का
बॉल्स डाल दिए, कैल्शियम क्लोराइड का थोड़ा पाउडर डाल दिए जो कि एनहाइड्रोस है, अगर थोड़ा बहुत भी इसमें वाटर की मात्रा होगी तो वो ये सोख लेगा। तो इसके अंदर जो एयर है वो उसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो है लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है केस सी में, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन वाटर नहीं है। केस बी में क्या हुआ, यहाँ वाटर तो है लेकिन ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन केस वन में ऑक्सीजन और वाटर दोनों का कॉन्टेक्ट हो रहा है। इसको अगर हम लोग एक दो दिन के लिए अगर हम छोड़ देते हैं इस तरह का सेटअप लगा के, तो हमें दो तीन दिन के बाद पता चलेगा कि जो पहला वाला जो केस है, केस ए, ठीक है, पहला जो सेटअप है, इसमें आयरन नेल पे रस्टिंग शुरू हो गई है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, वाटर मिल गया। दूसरा केस में रस्टिंग नहीं हुआ क्योंकि सिर्फ वाटर था, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं मिला। तीसरा केस पे भी रस्टिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो मिला लेकिन वाटर नहीं था, ठीक है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि आयरन को रस्टिंग होने के लिए हमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों की जरूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पे रिएक्शन होगा और आयरन का रस्टिंग होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हो, 4Fe+3O2 अगर ऑक्सीजन यहाँ पे मिल गया और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल्स मिल गए, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तीनों, तो यहाँ पे Fe2O3.XHU H2O, XH2O का मतलब हुआ कि यहाँ पे समथिंग अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे रिएक्शन होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, ओके। अब हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन का, ठीक है। तो प्रिवेंशन करने के लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो कोरोजन होना ये कोई अच्छी बात नहीं है, धीरे धीरे आयरन को कोरोड करेगा, अगर आयरन की बात करें तो धीरे धीरे उसको गलाते जाएगा, अगर इसका पुल बना हुआ तो धीरे धीरे इसको कोरोड करते जाएगा, लास्ट में पुल गिर जाएगा। आयरन पाइप है तो धीरे धीरे कोरोजन होकर उसमें छेद हो जाती है, ठीक है। तो इसके अनुले बॉयलर्स है उसमें छेद जाते हैं, बॉयलर ब्लास्ट कर जाता है, तो कोरोजन के कारण बहुत नुकसान होता है। शिप है, बड़े बड़े शिप होते हैं उसमें कोरोजन लग जाता है, शिप पूरे के पूरे डूब जाती है। तो ये सब चीज कोरोजन जो है वो ठीक चीज नहीं है, इसको रोकना होता है। तो इसको रोकने के लिए कैसे प्रिवेंट करते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कि पहला प्रोसेस यहाँ पे है पेंटिंग, ठीक है। अगर उसको हम पेंट करें, जैसे इसीलिए आप देखते हैं घरों के जो ग्रिल्स होते हैं, ठीक है, उसको आप पेंट किया जाता है, उसी तरह से आयरन के जहां पे भी चीजें होती है उसको सबसे बेस्ट तरीका होता है आयरन को प्रिवेंट करने का, पेंटिंग कर दो उसके ऊपर, ठीक है, पेंट कर दो, और 2-3 साल में जब पेंट डल पड़े वापस से पेंट कर दो, इससे उसका लाइफ बढ़ जाता है, कोरोजन को ये पूरी तरह से रोक लेता है। होता यह है कि आयरन के ऊपर अगर कोई आयरन का आर्टिकल है, ठीक है, आयरन का रॉड है, इसके ऊपर हम पेंट कर दिए, तो होगा कि ये ऑक्सीजन और जो पेंट का जो लेयर चढ़ गया वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट को काट देता है, अब ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं, तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों चाहिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक का कनेक्शन अगर हम काट दिए, ठीक है, वहां पहुंचने नहीं है, दोनों का काट दिए तो आयरन में रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका कर दो तो आप इससे रस्टिंग से बच जाते हो। उसका दूसरा प्रोसेस होता है ऑयलिंग प्रोसेस, ठीक है, पेंटिंग हर जगह काम नहीं करता है, ऑयलिंग प्रोसेस वहां पे काम करता है जहां पे पेंटिंग काम है, जैसे कि कुछ एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट है, अब खोदने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट है, प्लाउचिंग का इंस्ट्रूमेंट है, अब उससे हमें खेत को प्लाउचिंग करना है, अगर उस पर पेंट कर देंगे तो कितना दिन चलेगा, पेंट तो घिस जाएगा, ठीक है। अब होता क्या कि अगर जब तक यूज कर रहे हैं तो उसमें रस्टिंग नहीं लगती, लेकिन अगर जैसे ही उसको फ्री स्टेट में रख दिए, ठीक है, अभी प्लाउचिंग नहीं करना है, 2 महीना का रेस्ट करना है, तो उसको रख दिए तो उस पर पूरा रस्ट लग जाता है। अगर आप कोई भी आपके घर में भी अगर कोई खुरपी करने वाला जो गमला होता है उसमें आप देखे होंगे, कोई भी ऑर्नामेंट को अगर आप रख दिया आयरन को, आर्टिकल को, तो उस पर धीरे धीरे रस्ट लग जाती है, तो क्या किया जाता है कि उसमें ऑयलिंग कर दी जाती है, उसके ऊपर ऑयल लगा दी जाती है। इसके साथ साथ ऑयलिंग का यूज कार्स और मोटर बाइक्स में भी होता है, उसमें कुछ पार्ट अंदर के मशीन के पार्ट्स होते हैं जिसमें कोरोजन ना लगे, इसके कारण उसमें ऑयल डाल के रखा जाता है, इसका ऑयलिंग से बच जाता है। उसका बात होता है ग्रीजिंग का, ग्रीजिंग तो मेन यूज हो जाता है मोटर्स एंड जो मोटर इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं उसमें ज्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें भी तो रस्टिंग लगे, एयर और वाटर का, तो एयर का अगर कॉन्टेक्ट आता है तो उसमें वाटर का भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर वेपर के रूप में, तो वहां पे रस्टिंग शुरू होता है, इसलिए ग्रीजिंग कर देता है। ग्रीजिंग में करने के कारण एयर का कॉन्टेक्ट वो काट देता है, वाटर उसमें डिजॉल्व होता नहीं, एयर जाता नहीं है, इसके कारण से वो रस्टिंग से वो बच जाता है। अब यहाँ पे 4 प्रोसेस और स्टार्ट हो जाते हैं, गैल्वेनाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग और मेकिंग ऑफ एलॉय। इन चारों को मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, उसमें आप इस चारों पार्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये तो तीनों पार्ट बहुत इजी पार्ट था, ये जो चारों पार्ट है इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो।